हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MD स्मार्ट क्लासेज में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल का जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से शहर को देश का पहला ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्त प्लस शहर घोषित किया गया? किस शहर को ODF प्लस शहर घोषित किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, नोएडा, गुरुग्राम या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम शहर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में ODF प्लस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया? जिम मैटिस, पैट्रिक सनहान, नीमा बूटिया या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पैट्रिक सनहान को कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में उप रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले हाल ही में जिम मैटिस ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हुई GST काउंसलिंग की बैठक में केंद्र सरकार ने कितनी वस्तुओं की GST दर घटाने का फैसला किया? कितनी वस्तुओं की GST दर घटाने का फैसला किया? 24, 28, 23 या 18? दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 वस्तुओं की GST दर घटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर, खड़गपुर, रांची या जोधपुर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन एक, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इस IIT का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की साइकिलिस्ट जिसने साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई? ममता कुलकर्णी, निर्मल चौधरी, कोमल अग्रवाल, वेदांगी कुलवर्णी? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वेदांग कुलवर्णी। इन्होंने 29,000 किलोमीटर तक साइकिल से विश्व का चक्कर लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ? हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ? भारत चीन, भारत रूस, भारत जापान? यहाँ जापान आएगा। या भारत अमेरिका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन एक, भारत व चीन की सेनाओं के मध्य हाल ही में हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। ये आयोजन चीन के बीजिंग शहर में हुआ। ये सैन्य अभ्यास चीन के बीजिंग शहर में हुआ। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया?
10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये? दोस्तों का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया वाजपेयी जी की 94वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 या अग्नि 4? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नि 4 मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की दूरी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता? रियल मैड्रिड, बेल्जियम, यूएई, मैनचेस्टर। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड लगातार तीसरी बार ये खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इस आइकन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।